हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है और ये क्या काम करती है और वर्क कैसे करता है। वेब होस्टिंग एक ही तरह का एक सर्विस प्रोवाइडर स्टोरेज एरिया होता है आपका, जो वेबसाइट के लिए होता है, वो एप्लीकेशन जहाँ से इंटरनेट रन होती है और जो वहाँ से वेबसाइट बनती है आपकी, वो इंटरनेट में जाती है। और इसमें स्टोरेज जो भी ये होस्टिंग होती है वो आप स्टोरेज होती है और आपका डोमेन अलग है। अगर आपने डोमेन नेम लिया है, अगर आपको वो क्या करेगा, सिंपल पेज दिखाई देगा, वो भी आपका पार्किंग पेज जो आपकी होटल जिसने आप जिस चीज़ का आपने डोमेन लिया है। और होस्टिंग के लिए क्या करना था, होस्टिंग वर्क कैसे करता है। होस्टिंग वर्क करता है कि भाई जो कंपनी है रेंट पे सर्विस प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजी होस्टिंग के लिए, वेबसाइट के लिए। और जहाँ होस्टिंग में क्या होता है, डेटा होता है आपका, आपकी जो कंटेंट होती है, आपकी पिक होती है, आपका डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को रखने के लिए ही होस्टिंग यूज होती है। और ये भी कर सकते हैं हम कि भी हम पर्सनल पीसी में वगैरह रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर चाहिए होता है जो 24 आवर, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो 24 आवर चलती है। इसीलिए हमें वेब होस्टिंग के लिए ही अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, मतलब स्टोरेज रखने के लिए, रीजन के लिए हमें होस्टिंग करनी पड़ती है। होस्टिंग के लिए प्लान प्लान भी अवेलेबल है कि होस्टिंग कैसे, प्लान कितने का प्लान है, आप किस कैसे यूज करोगे। हाउ, अब ये कि भी हाउ कैन चूज वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, हमें और आपको जो प्रोवाइडर है होस्टिंग का वो आपके अनुसार है, आपकी वेबसाइट कैसी है। अगर आपकी वेबसाइट हल्की सी है या कुछ फर्स्ट एक दो पेज ही है तो आपको ये भी चल सकता है, 512 वाला 80 पैनल मिलेगा, फ्री SSL मिलेगा इसमें। उसके अलावा एक सर्विस पैक 1 है, इसमें 1 GB मिलेगी देखो, और फ्री SSL सर्विस है, 1 GB रैम है। जैसे सब सब का प्लान चेंज होता रहता है। जैसे इसमें आपका मल्टी डोमेन का है, इसमें आपका मल्टी डोमेन का है, ये आपका 1000 का प्लान है, वेब होस्टिंग 2 और 2 GB रैम। और जितनी आपकी रैम अच्छी होगी उतनी आपकी सर्विस चलेगी, वो आपके अनुसार है। आपकी वेबसाइट कमर्शियल है या आपकी वेबसाइट पे क्या आने वाला है प्रोसेस डेटा में। जैसे आपकी वेबसाइट में अगर कमर्शियल है तो, और अगर आपका CRM भी है तो उसमें आपकी अच्छी खासी 10 GB की रैम चाहिए, आपका पैकेज भी अलग होगा इस तरह से। बेसिकली एक जो हम डोमेन बुक करते हैं वो बेसिकली एक नेम का है। जैसे हमने किसी कंपनी बनाने बनाने वाले हैं और कंपनी का नाम तो रख लिया, पर हमें उसके लिए ऑफिस भी चाहिए, उसमें वर्किंग के लिए स्पेस भी चाहिए। तो उसी के लिए है कि भी जहाँ पे स्पेस वर्क करने के लिए, जहाँ आपकी वेबसाइट का वर्किंग होती है, आपका डेटा स्टोरेज होता है, वो होस्टिंग के लिए है। अब हम चेक कैसे करेंगे, कहाँ से आप कौन सा ले सकते हैं होस्ट। ये बहुत तरह की वेबसाइट, जैसे होस्ट के नाम से है, आपका बिग रॉक के नाम से है। और फ्रेंड्स, जो भी लो आप जेन्युइन ले, किसी का ऐसा ना ले, आप वेबसाइट बनाए यार, आपका जब वेबसाइट चलने लगे तो वेबसाइट हैक हो जाए, वो कंपनी ही भाग जाए या फिर बंद कर दे, ये आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। देखिए देखिए, आपका इसमें देखो पावरफुल चाहिए, इसमें आपका 159 रुपये स्टार्टर है, 159 रुपये महीना। इसमें आपका सिंगल डोमेन है, 10 GB रैम है, 100 GB ट्रांसफर है और आपका 5 मेल है, फ्री एसेस और कुछ नहीं है इसमें। और ये है इसको, उससे प्लान है 399, सिंगल डोमेन है, इसमें भी अनलिमिटेड डिस्क है, इसमें 10 GB डिस्क थी और इसमें फ्री अकाउंट, इसमें अनलिमिटेड मेल अकाउंट्स है। और ये इसका बेबी अकाउंट है, इसमें 399 का प्लान है, 3 डोमेन, अनलिमिटेड स्टोरेज। देखिए वो आपके अनुसार कौन सा प्लान लेना चाहते हो, कि किस तरह आपको प्लान चेक करोगे आप, वो आप जो वेबसाइट बनाओगे कमर्शियल वेबसाइट है कैसी है। और होस्टिंग भी उस तरह के होते हैं भाई, प्राइवेट होस्टिंग, प्राइवेट
शेयर होस्टिंग, तो मैं आज शेयर होस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। और इसमें सीआरएम भी कैसे इंस्टॉल होता है, हम प्लान कंपेयर करते हैं। अभी देखिए, जो प्लान है इसमें 1 GB का है, डोमेन इसमें एक आएगा, और इसमें बेबी प्लान में 3 और इसमें बिजनेस प्लान में अनलिमिटेड है। इसमें आपकी डिस्क स्पेस 20 GB हो सकता है, 20 GB डेटा आप ख़त्म होते हैं, आपको एरर आएगा या फिर उनको कहेगा आप स्टोरेज डाउन होगी, स्टोरेज बढ़ाइए, और इन दोनों में आएगा अनलिमिटेड। इसमें बैंडविड्थ अनलिमिटेड, बेबी वॉल इसमें भी सेम है, ईमेल अकाउंट इसमें सेम है, ईमेल डिस्क भी इसमें अनलिमिटेड है। इसमें दोनों में SSL सर्टिफिकेट नहीं है। SSL सर्टिफिकेट कोई कोई वेबसाइट 3 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा लेती है, तो आप ऐसी वेबसाइट का लें आप जहाँ से आपको फ्री SSL मिले। इसमें अनलिमिटेड सब कुछ है क्योंकि ये 6 हज़ार का प्लान है। एसक्यूएल डेटा इसमें भी दोनों सेम है, इसमें 5 GB और डेटाबेस रिकवर और रिस्टोर। ये रिकवर और रिस्टोर डायरेक्ट, और सी पैनल वर्जन, इसमें सी पैनल वर्जन भी सेम है, और क्लिक इंप्लीकेशन फ्री, DNS सब डोमेन फ्री है, सॉरी अनलिमिटेड है तीनों में। तो बेसिकली आपको जो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार ही आपका होस्टिंग होगा। आप अगर आपकी वेबसाइट है छोटी, किसी छोटी मोटी मतलब कि हॉस्पिटल का है या फिर उसके शॉप का है, उसके लिए आप 1 GB के यूज करते हैं, पर आपका है CRM का सॉफ्टवेयर है और आप यूज करना चाहते हैं उसको मल्टी 24 आवर के लिए, और आपके क्लिकिंग जो आपका जो होस्टिंग जो जो सर्वर की स्पीड जो स्पीड है, और जैसे कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है वो आपके अनुसार है कि आपकी किस तरह की वेबसाइट है। मान लीजिए कमर्शियल है, उसमें आपका कमर्शियल में क्या होता है कि भाई आपका 20 कितने यूजर आते हैं, कितने यूजर वर्क करते हैं उसमें, वर्क भी करते हैं। ऐसे डाटाबेस का है जैसे कि कोई लैब है, लैब में हम क्या करते हैं, जो लैब में रिपोर्ट निकालते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, तो हमें उसके लिए आपको आपके अनुसार है, या जिससे आप वेबसाइट बनवा रहे हो तो उससे आप बोल सकते हो। आपका फिलहाल अभी इसका प्लान है, और इसमें आपका मल्टी, इसमें बजट प्लान भी है, लिंक है, और आप जब भी लोगे प्लान आप चेक कीजिए एसक्यूएल डेटा। आप 2-3 वेबसाइट पे जाइए, जैसे हम इस पर चेक करते हैं होस्टिंग प्लान। देखो ये रीसेलर है, ये सॉरी शेयर होस्टिंग है, ये रीसेलर है, ये स्पेशलाइज है। अब देखिए शेयर होस्टिंग का मतलब होता है कि इस एक शेयर पे आपका करीबन दो वेबसाइट, 4 वेबसाइट, 10 वेबसाइट तक होती है। और रीसेलर वाला है कि आपका रीसेल, जैसे कि जो भी कंपनियां हैं आपकी क्या करती हैं कि भी अपना होस्ट रीसेलर होस्टिंग चाहती हैं कि भी 10 किसी को ना, तो कि दूसरी कंपनी को पता चले कितनी कौन सी वेबसाइट हो रही है, या रीसेलर वो रीसेल भी कर सकते हैं आपका होस्ट अपना अपने अनुसार प्लान बना के। अब ये है आपका लाइनेक्स होस्टिंग और ये विंडो होस्टिंग। रोक्सिल, इस लिनक्स में आपकी हैकिंग की बहुत ही कम वो होती है, बहुत कम ही चांस होता है हैकिंग का, तो आप वो आपके अनुसार है कि आपको कौन सा लेना है। अनलिमिटेड डोमेन है, फ्री मेल्स है, अनलिमिटेड डिस्क है, बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ आपकी नेट की स्पीड जो भी यूज करेंगे। और देखिए इसमें स्टार्टअप 20 GB है, फिर SSL है, 5 मेल ID है, और आपका सर्वर आप कौन सा लोगे, वो सर्वर आप कौन सा ले रहे हो, USA का या इंडिया का, वो आप चेक सकते हैं। विंडो का, ये विंडो का है, विंडो का थोड़ा सस्ता होता है इसमें। देखिए ये विंडो का इसका प्लान सस्ता है, देखिए क्योंकि विंडो का मोस्टली यूज होता है इसमें, इतना सेफ नहीं होता, पर भी क्या करते हैं आपकी वेबसाइट जो इससे आप मेंटेनेंस करवाओगे और सिक्योरिटी है वो हैक होगी नहीं, पर आपके अनुसार है वो कोई पुल कोई इसमें से कोई वो है
वायरस अगर नहीं हुआ तो आपके सिस्टम में, या फिर आपका जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपका डेवलपमेंट वाला डेवलपर है, वो आपको पसंद करेगा। ये तो था दोस्तों आपका हाउ व्हाट इज द होस्टिंग और हाउ टू चूज होस्ट प्लान। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक में आपको लाऊंगा कि हाउ टू कनेक्ट होस्टिंग। आपका डोमेन, आपने डोमेन तो और किसी कंपनी से लिया है और होस्टिंग और किसी कंपनी से लिया है, तो मैं आपको कल आपको बताऊंगा।